बहुत टाइम बाद, बहुत ही टाइम बाद एक ऐसी मूवी बनी है जिसको जेन्युइनली इंसान बोल सकता है कि नहीं यार, ऐसी मूवी बननी चाहिए, ऐसी चीजें लोगों को दिखानी चाहिए। ये होता है कहानी जब तुम्हारा स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता उसमें स्टार कास्ट कौन सी है, अगर कहानी तुम्हारी तगड़ी है तो ये। और धर्मा की ये दूसरी ऐसी मूवी है, मतलब धर्मा और करण जौहर की इस बात पे तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इस छोटे छोटे डिटेल्स को, छोटी छोटी चीजों को रखा है। हाँ, आलिया भट्ट है इसमें, वो स्टार कास्ट वगैरह वाली सीन है, वो सेकेंड चीज है, बट भाई वो फोकस कर रहे हैं अब स्टोरी ओरिएंटेड मूवी पे। वो मूवी जो कि मतलब एक पैशन जगाएगा व्यूअर्स के लिए, एक तुम बोल सकते हो कि यार अच्छा, अब बॉलीवुड में ऐसी मूवीज भी बन रही हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जिगड़ा कैसी है, क्या है और क्या कुछ तुमको इसमें देखने को मिलेगा और क्या तुम्हें देखने जाने भी चाहिए या नहीं। और बात करेंगे कि मतलब क्यों ये मतलब अमेजिंग मूवी है और बहुत कुछ हटके दिखाया गया है इसमें। तो बेसिक कहानी ये है कि सत्या, जो कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, उसका भाई रहता है अंकुर, वो एक फॉरेन कंट्री में फंस जाता है और वहाँ पे फंसने के बाद उस पर जो इल्जामात लगते हैं वो साबित हो जाते हैं और उस पर एक और अपराध लगता है, मतलब वही अपराध लगता है और उसको बोला जाता है कि 3 महीने बाद उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा करके उसकी जान ले ली जाएगी। और ये बात जब आलिया भट्ट को पता चलती है तो ऑब्वियसली वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। एंड देन सी स्टार्ट फिगरिंग आउट कि कैसे वो अपने भाई को बचाएगी उस टाइम पीरियड के अंदर। और ऑब्वियसली 3 महीना एक बहुत कम टाइम है और उसमें क्या कुछ उसको करना पड़ता है, कैसे वो प्लान बनाती है और कैसे उसको ब्रेक मतलब प्रिजन ब्रेक करके उसको लेके जाती है, ये इसी पे पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है। इसमें उसके मदद के लिए आते हैं मनोज पावा का कैरेक्टर और वो एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। अगर परफॉर्मेंसेज की बात की जाए तो आलिया भट्ट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। सत्या के कैरेक्टर में वो वल्नरेबल लगी है। हाँ, मैं वल्नरेबल की बात कर रहा हूँ। ये मूवी जो है वो एक्चुअली एक एक्शन पैक मूवी है, बट वसंत बाला जो कि इसके डायरेक्टर है, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान रखा है कि इंसान ही है वो, कोई हवा में उड़ने वाला सुपर हीरो नहीं है। तो अगर उसको चोट लगती है तो वो लिटरली लगती है चोट, उसको भूख लगती है तो वो फील होता है, वो जो इमोशंस हैं उसके वो शो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सीधा हवा में उड़ने लगी है, फ्लाइंग किक्स ऐसे ही मारने लगी है। हर चीज़ का एक प्रोसेस दिखाया गया है, हर चीज़ को एक तरीके से दिखाया गया है, हर चीज़ को मतलब ऐसा एक्सप्लोर किया गया है। एंड आई जेन्युइनली फील कि वसंत बाला को इसमें क्रेडिट मिलनी चाहिए, भाई उस बंदे ने अच्छा और तगड़ा काम किया है इसमें। उसके बाद वेदांग रैना का कैरेक्टर, वेदांग रैना भाई बहुत ही अच्छा और तगड़ा एक्टर लगा है। एक डायरेक्टर जब आपके पास हो ऐसा जो कि आपसे काम निकलवा सके, आपके इमोशंस के साथ खेल सके, उसको बता सके कि तुम कैसे अपना इमोशन शो कर सकते हो, वो किया गया है। वेदांग रैना जो कि कैरेक्टर है, मतलब अंकुर का कैरेक्टर प्ले करता है सत्या के भाई का, उसको नहीं पता रहता है कि उसकी बहन क्या कर रही है उसके लिए, मतलब दुनिया के बाहर, कि ऑब्वियसली वो जेल में है। तो वो जो डर है, वो इमोशन जो है, वो परिवार के छूटने का जो गम है, वो दिखाया जाता है। और एक बहुत ही लिटरल सी सीन है, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जैसे उन दोनों का जो पास्ट रहता है वो सब तुम मूवी में देखोगे तो पता चलेगा किस किस ट्रॉमा से उनका बचपन गुजरा हुआ है, वो सारी चीज़ें एकदम रॉ वे में दिखाई गई है। उनको बताया गया है कि भाई ऐसा होता है, ये चीज़ें तुम रियल लाइफ में भी देखोगे, जैसे डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं ये लोग हैं, वो कैसे मतलब खुद की फैमिली को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, बाद में उन बच्चों को करते हैं, पैसे वैसे होने के बावजूद भी। एंड दीज थिंग्स आर जस्ट लाइक रियल एविडेंट। और उसके बाद से जो आलिया भट्ट के इमोशंस हैं, आलिया भट्ट ने उसको बहुत तगड़े तरीके से दिखाया गया है। मतलब वो लगता है कि वो उसके जो ऑब्सेसिवनेस होती है कि भाई उसका भाई है, सगा भाई है और उसके अलावा उसका कोई नहीं है, ठीक है, एक मदरली इंस्टिंक्ट जो है उसका वो जाग जाता है और वो ऑब्सेसिवनेस की वो पागलपन वो झलकता है कि भाई उसको कुछ करके भी उसके भाई को निकालना है उस जेल से बाहर और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड दैट शोज दैट जो एकदम एक होता है ना कि कैरेक्टर को पकड़ना, वो पकड़ा है भाई आलिया भट्ट ने, और इतने तगड़े तरीके से, इतने अमेजिंग वे में, यू विल कनेक्ट विथ हर, मज़ा आता है देख करके। लेकिन जो सबसे टॉप नॉच चीज़ है इसमें वो है बैकग्राउंड म्यूजिक और भाई इसकी सिनेमेटोग्राफी, मतलब तुम देखते मत थकोगे नहीं। मूवी स्लो है, आई वोंट से कि मूवी बहुत फास्ट है, 2 घंटे 33 मिनट की ये मूवी है, थोड़ी सी तुमको स्लो फील होगी, बट वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाया गया है, जो छोटी छोटी डिटेल्स इसमें दिखाई गई है,
वो चोट लगने के बाद दूसरे दिन कैसे दाग बढ़ते हैं वो चेहरे पे, अगर तुम नोटिस करोगे, वो कैसा एक इमोशन चीज़ें एक दूसरे दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करता है, वो लास्ट में जाकर के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जो कि तुम कुछ कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाओगे, और उस प्रिडिक्शन के बाद भी यू विल फील लाइक कि अच्छा ये ऐसे होने वाला था, एंड उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। तो वो चीज़ें वसंत बाला ने बहुत तगड़े तरीके से डाली है इसमें। एक्शन सिक्वेंसेस, जो शॉट्स है, जो एंगल्स है, जो मैं ट्रेलर में भी बोला था, बहुत बेहतरीन लगी है मूवी में। मूवी का जो कलर है, वो कलर ग्रेडिंग बहुत ही तगड़े तरीके से किया गया है। वो आग की जो लपटे हैं वो तुमको फील होगी, अमेजिंगनेस, वो लाइट्स, वो मतलब ब्राइटनेस, वो डार्कनेस, जहाँ पे जो टिंट है कलर्स के, अमेजिंग अमेजिंग। एंड यू विल फील जब वो थिएटर में तुम एक्सपीरियंस करोगे उस चीज़ को, तुमको देख करके मज़ा आने वाला है। एंड देर इज़ वन मोर थिंग जो कि इसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सावी का रीमेक है। नहीं भाई, नहीं, कहीं से नहीं लगता है ये सावी का रीमेक। मैंने अनफॉर्चुनेटली सावी भी देखी हुई है भाई, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, आसपास भी नहीं है। जस्ट बिकॉज की वो प्रिजन ब्रेक सीन है, नो, नथिंग मेक सेंस इसमें। मतलब दोनों की कहानी पोलर अपोजिट है, पोलर अपोजिट इन द सेंस कि भाई दोनों के कैरेक्टराइजेशन, दोनों की स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है। सिर्फ एक चीज़ जो है कि कॉमन है, वो है कि दोनों में से किसी, दोनों ने अपने किसी एक जान पहचान वाले को बाहर निकाला है जेल से। और दूसरी बात, ये एक हॉलीवुड मूवी, सावी जो है एक हॉलीवुड मूवी की रीमेक पड़ी हुई है, ठीक है, वो उसका बनाया गया। बस इसमें उस फिल्म में रसल क्रो की मूवी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, उसमें वो अपनी पत्नी को बाहर निकालता है, इसमें ये अपने पति को बाहर निकालने जाते हैं। एंड सावी इज़ लाइक अ शिट, ठीक है, बेसिकली उसमें कहीं आसपास भटकता भी नहीं है। वो आलिया भट्ट ने जो रोल प्ले किया है और दिव्या खोसला कुमार ने जो टट्टी की है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत देना कि भाई सावी का रीमेक है या सावी जैसी कहानी है। नहीं है, सावी की कहानी बहुत अलग है, इसकी कहानी बहुत अलग है, मतलब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाओ जा कर के देखो एंड इन्जॉय करो इस चीज़ को, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। तुम अपने फैमिली के साथ जा कर के देख सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो एक भाई बहन की अच्छी कहानी है, तुम फैमिली के साथ जाओगे तो और भी सही लगेगा, तुमको मज़ा आता है। एक इंटरटेनमेंट पैकेज के साथ मतलब ऐसा दिखाया गया इसको। आलिया भट्ट डिड अमेजिंग जॉब, वेदांग रैना भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट वसंत बाला हैज़ डन अ फिनोमिनल थिंग। ऐसा लगता है कि ये मूवी की ज़रूरत थी बॉलीवुड को भी, हम एज एन ऑडियंस को भी, जिसको देखने के बाद लगता है कि भाई तुम अप्रिसिएट करना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, तुम चीज़ों को और बेहतर देखना चाहते हो, और वो दिखा है। मतलब अमेजिंग फीलिंग, मज़ा आता है, तुम्हारे पैसे वसूल होंगे, तुमको देख करके अच्छा लगेगा। तो बढ़िया है भाई, मतलब मज़ा आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे खास करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है। तो अपना और अपनों का ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।